सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हिंदी मेधा में हम पाठ 10 पढ़ रहे हैं, गडेरिया बना राजकुमार। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसी पाठ के कुछ प्रश्न उत्तरों की चर्चा की थी। आपने प्रश्न उत्तर अपने हिंदी मेधा कॉपी में लिख लिए हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इसी पाठ के कुछ बचे हुए प्रश्न समझाऊंगी। हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे और आपको ये प्रश्न उत्तर भी अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिखने हैं। तो आइए बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न एक, कैरोली ने दरबार में जब बांसुरी बजाई तब क्या हुआ? आप उत्तर अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं एक बार उत्तर दोहराऊंगी ताकि आप अच्छे से लिख सकें। कैरोली ने दरबार में जब बांसुरी बजाई तब क्या हुआ? कैरोली ने दरबार में जब बांसुरी बजाई तो दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। प्रश्न दो, राजा का पहला प्रश्न क्या था? आप जानते हैं कि राजा ने 3 प्रश्न पूछे थे कैरोली से, तो आपको लिखना है कि राजा का पहला प्रश्न क्या था। आप अच्छे से लिखेंगे, इस तरह से आप पूरा वाक्य बनाकर लिखेंगे, राजा का पहला प्रश्न था। फिर एक छोटा सा डैश देकर आप प्रश्न प्रॉपर लिखेंगे। जो प्रश्न था राजा का, किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा था राजा ने। तो आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे, राजा का पहला प्रश्न था कि किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं। प्रश्न 3, राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे आपने प्रश्न 2 का उत्तर लिखा है। राजा का दूसरा प्रश्न था, आसमान में कितने तारे होते हैं? राजा का दूसरा प्रश्न था कि आसमान में कितने तारे होते हैं। प्रश्न 4, राजा का तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न क्या किया था राजा ने? राजा का तीसरा प्रश्न था कि अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? प्रश्न 5, राजा ने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनकर क्या कहा? राजा ने कहा, शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो, अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे, मैं तुम्हें गोद लेता हूँ, अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। तो ये कहा था राजा ने तीसरा प्रश्न का उत्तर सुनकर। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में बिना किसी गलती के अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिखने हैं। बहुत अच्छे से वर्क कीजिए और जल्दी से सेंड कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।